बारी है कॉमेडी सर्कस के चार सीजन जीत चुके कपिल की। कपिल जब भी स्टेज पर आते हैं कुछ नया करते हैं, हर बार नई पार्टनर। यहाँ तक वो अपने पंचेस भी रिपीट नहीं करते और उनका बस चले तो अपनी जीत भी रिपीट ना करे। तो इस बार क्या करना चाहते हैं वो, लेट्स सी। प्लीज वेलकम हमारे पुराने धुरंधर कपिल और उनकी पार्टनर अंकिता। मैडम फिर से जज, लगे रहो पैसा कहाँ गया जा रहा है। पैसे का इतना लालच मैंने आज तक नहीं देखा। पैसे के चक्कर में प्रमीत को सोहेल खान बना के बिठा दिया उसने। हद होती है पैसा, इतना लालच क्या करना है। परसों एक बुढ़िया को सड़क पार करवा रही थी मैडम, बुढ़िया ने इतनी दुआएं दी। बुढ़िया कहती बेटे जीते रहो, भगवान और तरक्की दे। कहती बुढ़िया दुआएं मत दे, मैं लेट हो रही हूँ, 10 रुपए निकाल। बुढ़िया बेचारी के पास 10 रुपए देने के लिए थे नहीं, उसको ऐसी जगह छोड़ के आई, उसका 150 रुपए लगा ऑटो में। सोहेल भाई मैंने पहचान लिया, आप असली वाले हो ना। भाई मैं आपके 1000 रुपए वैसे दे देता, आपको पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी। मैंने इनसे 1000 रुपए लिए, मेरे पीछे पीछे घूम रहे तब से। अब अर्चना जी आपके जैसा तो मैं हूं नहीं। एक बार इन्होंने प्रमीत से 500 रुपए लिए उधार, चुकाए नहीं गए, उसी के चक्कर में शादी कर ली। मैं दे दूंगा आपके पैसे, बस ये ट्रॉफियां बिक जाएं। चार चार शो किए, साला कोई नहीं पहचानता मेरे को। ले लो कॉमेडी सर्कस के तानसेन 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। कॉमेडी सर्कस का जादू 20 रुपए, जादू 10 रुपए। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो सोहेल सर, एक्चुअली आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना, ये टीवी के साथ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आजकल मैं टीवी पे इतना ज़्यादा आने लग गई हूँ ना कि ये टीवी मेरा साथ ही नहीं छोड़ता है। पहला पंची फ्लॉप। वैसे तुम कपिल हो ना? नहीं मीनाक्षी हूँ। मजाक मत करो। मजाक मत करो, मजाक का शो ये लोग क्या गरबा खेल रहे हैं? मजाक का शो है, मजाक नहीं करेंगे और क्या करेंगे। मैं समझ गई कि तुम कपिल हो, क्योंकि एक बात तो मुझे पता है, अर्चना मैम अपना शेविंग करना भूल सकती है लेकिन तुम कॉमेडी करना नहीं भूल सकते। क्या बात है, कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लगातार दूसरा पंच फ्लॉप। वैसे तुम हो कौन अंकिता लोखंडे? मैं टीवी सीरियल की सबसे बड़ी स्टार हूँ। इधर जो भी लड़की आती है ना यही बोलती है, मैं सबसे बड़ी स्टार हूँ। बाद में इनकी शूटिंग पे जाओ, पता चलता है जो सबसे बड़ी स्टार होती ना उसके पेटीकोट में नारा डाल रही होती है। ऐसी शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। क्यों? मेरा नाम है मिस अंकिता लोखांडे। अंकिता लोखांडे। मैडम आपके नाम से आप एक्ट्रेस कम लगती हैं, पांडू हवलदार की बीवी ज्यादा लग रही है। कपिल यू आर सो फनी, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टनर बनने आई हूँ। कॉमेडी सर्कस की? हाँ। ये सीजन तो नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों? वो एक्चुअली मैडम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ? मैं अभी ना डॉक्टर के पास गया था, जैसे मेरा ये चौथा शो ऑनर हुआ ना, जैसे मैं जीता 4 बार, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने नब्ज चेक करके बताया कि एटीट्यूड आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक हो जाएगा, 3-4 गंदे एक्ट करो। देखो भगवान की कृपा, आप मेरी पार्टनर बन गई। एक तो गंदा हम कर ही रहे हैं, बाकी 2-3 और करेंगे। देखो मैडम टीवी में कुछ नहीं रखा है, मेरा इंटरेस्ट फिल्मों में है। इंटरेस्ट है तुम्हारा फिल्मों में? बहुत ज्यादा, मतलब पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है, शाम को रेडी की 2 टिकटें लेके आता हूँ, पीछे बैठ के देखेंगे। शट अप। कपिल yes. मुझे लगा कि तुम मुझे फिल्म में चांस देने वाले हो। अबे फिल्म में मेरे को तो खुद नहीं कोई फिल्म में ले रहा। देखो मैंने ये शो नहीं करना। अरे लेकिन क्यों? 4-4 बार मैंने शो जीता, मेरे को पहचानता कोई नहीं। एक सेकंड, ऐसा तुम्हें किसने कहा? तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या फैन फॉलोइंग है कपिल? अरे बाकी सबको छोड़ो, अर्चना मैम को देखो, वो तुम्हारी कितनी बड़ी फैन है। आई टेल यू, इनकी बात छोड़ो, ये तो किसी की भी फैन बन जाती है। परसों एक हलवाई ने आटे का पेड़ा तेल में डाला, उसका भटूरा बन गया, इतनी इंप्रेस हुई कि थी, ओह माय गॉड, इन्हें सच्चे लिटिल टाइम शी बिकेम प्रेग्नेंट। एक बात और बताऊं, तेरे को जज बना दे, तेरी बड़ी हंसी निकल रही। चल बे, सुन ले,
परसों ना परमीत की तबीयत खराब थी, उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर कहता है इनको रेस्ट की सख्त जरूरत है, ये लो नींद की गोलियां। कहते कितने कितने घंटे बाद देनी है, कहते देनी नहीं तूने खुद लेनी है। कहते तू सोएगी तो मैं रेस्ट करी। सुन, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। ओके, तेरे को पार्टनर बनाना ना, सुरेंद्र को बना ले तू। सुरेंद्र देख तेरे से कैसे देख रहा, मुंह खोल के है। एक सेकंड कपिल, लेकिन इसे कॉमेडी आती है क्या? इसी को तो आती है। कल रीबॉक के शोरूम में गया है जूता लेने, भड़क गया वहां पे, कहता सालों करोड़ों रुपया खर्च किया है, ट्रायल रूम तो बनाए नहीं। कपिल इसीलिए कह रही हूँ मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ तुम चाहिए और तुम चाहिए बस। मेरे को गुस्सा है प्रोड्यूसर पे, साला कहता नया शो बनाएगा कॉमेडी सर्कस का, नया दौर। क्या नया दौर है, नए कोर्स सिला दी म्यूजिशियंस को, नया दौर हो गया। नया टैलेंट, ये देखो नया टैलेंट, हम लोग क्या पूरा, हमारे क्या अखरोट निकल आए आज भी? सर जी हमारे पुराने एक्ट निकाल के देख लो, 2-3 लाफ्टर मिल ही जाएंगे आपको। दो तीन नया टैलेंट, ये सूरी देखो। सूरी जरा खड़े होके दिखाना। ओ, खड़ा ही है वो। अभी बेचारा अमरूद में से पूरी तरह निकला भी नहीं, शो में ले आए उसको। एक सेकंड कपिल, तुम्हें शायद पता नहीं कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है। तुम्हें पता है वो बालिका वधू में बालिका वधू का रोल करने वाला था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने टकले पे सिंदूर नहीं भरूंगा, तो उसे निकाल दिया। तालियां लगातार, तीसरा पंच फ्लॉप। देखो ये नया टैलेंट देख लो, ये लड़की विशाखा देखो, इतनी मोटी लड़की है, पता है इसको पूछो ना पेमेंट, बोलती पेमेंट क्या, बस भरपेट खाना मिल जाए। वो तो जब खाना शुरू करती फिर प्रोड्यूसर कहता नहीं तू पेमेंट ही ले। ये देखो प्रिया है रैना, कितनी आवाजें निकल, तो ऐश्वर्या की आवाज क्यों निकालती उसको, वो ठीक नहीं निकालती क्या अपनी आवाज? ऐश्वर्या राय की आवाज निकालती ये लड़की। इसको पता ही कुछ नहीं है, पता है क्या मैंने इसको पूछा, मैंने कहा तेरे को क्या लगता है मतलब ये शो कौन जीतेगा? कहती जीतने भी आया कोई? कहती मेरे को तो लगा अंदर दो पागल से बैठे उनको जोक सुनाना है, साबुन की टिकिया मिलेगी, ऐसे बोल रही थी। इनके साथ करूंगा मैं नया शो, बिल्कुल नहीं, कल को इनसे हार गए तो कौन जिम्मेदार है? देखो कॉमेडी करना आसान काम नहीं है, ये रख इसको, तब से देख रही है किसके ऊपर फेंकेगा। देखो कॉमेडी करना कोई आसान काम नहीं, बड़े बड़े लोगों से नहीं होती। सर अपनी बकवास बंद कर, अगर तुझे मेरे साथ काम नहीं करना है तो मत कर, और वैसे भी मैं तेरी परमिशन लेने आ नहीं आई हूँ, समझा? अर्चना मैम, मैं आपसे और सोहेल सर से परमिशन चाहती हूँ कि मैं इस कॉमेडी सर्कस का एक हिस्सा बन सकूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पेमेंट नहीं लेनी, उनसे आके पूछो कैसा करती लड़की, रखनी है कि नहीं रखनी है, भेजे इसको। बात खत्म करो, क्या है? सोहेल जी, इस पुराने खिलाड़ी के बारे में आप प्लीज क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। मैं इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, बॉस हक बनता है। और आपकी जो टीम है ना, मतलब वो बेहतरीन टीम है, तो एनीथिंग एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है, जो आप दोनों में कमाल का है। सुपर्ब यू गाइस। अर्चना जी, यू बोथ आर रॉकिंग, विशिंग दैट यू गेट 10-10-10 ईच टाइम बिकॉज यू डिजर्व इट। थैंक यू। गोविंदा सर, कपिल के लिए तो मैं यही कहूंगा कि यू आर सो गुड, सोच समझ के अच्छे से काम आप कर रहे होते हो, और इतने अच्छे होकर आपका कुछ उसमें कुछ गलत ना होना, वो लाजवाब है। और क्योंकि ये गलत नहीं है, अंकिता आप लोग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। प्लीज जल्दी जल्दी जाइए अपने सीट पे बैठ जाइए, इट वॉज अ ग्रेट थिंग टू हैव यू हियर।